नमस्कार। आज हम मिलावट पर चर्चा करेंगे। मिलावट को इंग्लिश में एडल्ट्रेशन भी कहते हैं। मैं सर्वप्रथम आपको बताना चाहूँगी कि मिलावट होती क्या है। मिलावट को हम इस ढंग से समझ सकते हैं कि यदि किसी भोज्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई अभिन्न या महत्वपूर्ण तत्व निकाल लिया जाए या उसे अनुचित ढंग से संग्रहित किया जाए या दूषित स्रोत से प्राप्त किया जाए या उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाए तो उस खाद्य पदार्थ को हम मिलावटी भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये क्या होता है? धन लोभ के लालच में या भ्रष्टाचारी व्यवसायों द्वारा खाद्य पदार्थ में कई बार अशुद्ध, सस्ती या अनावश्यक वस्तुओं का मिश्रण कर दिया जाता है तो हम उसे अपमिश्रण कहते हैं, अपद्रव्यीकरण कहते हैं या मिलावटी भोज्य पदार्थ कहते हैं। छोटे बड़े अनेक खाद्य व्यवसायी या व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए लोभवश अनेकों प्रकार की युक्तियों से घटिया वस्तुओं को बढ़िया बताकर उच्च दामों में बेचने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के कुत्सित व्यापार या घटिया व्यापार समाज के सभी वर्गों में कम या अधिक मात्रा में व्याप्त होता है, जिससे जनता को उचित मूल्य देने पर भी घटिया भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है और उनके स्वास्थ्य को हानि होती है। खाद्य अपमिश्रण से अंधापन आ सकता है, लकवा हो सकता है, ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। सामान्यतः रोजमर्रा की जिंदगी में जो उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे कि दूध है, दही है, छाछ है, शहद है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, घी है, खाद्य तेल है, चाय मसाले हैं, खोया है, आटा है, आदि सभी भोज्य पदार्थों में मिलावट की जा सकती है। भिन्न भिन्न मिलावट की जो हमारे शरीर पर प्रभाव हैं वह भी भिन्न भिन्न होते हैं। एक सारणी मैं आपको बता रही हूँ जिसके अंतर्गत कौन कौन से भोज्य पदार्थ में किन किन चीज़ों की मिलावट होती है और उनसे कौन कौन से रोग होते हैं ये हैं। तो हम सबसे प्रथम भोज्य पदार्थ देखते हैं, खाद्यान्न हैं, दालें हैं, गुड़ है या मसाले हैं। इसमें किसकी मिलावट होती है? कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी का बुरादा है, लकड़ी का बुरादा, इनकी मिलावट होती है। और इससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आँत संबंधी रोग हो जाते हैं, दांत और आँत भी प्रभावित हो जाती हैं। फिर अगर हम देखते हैं चने की दाल है या अरहर की दाल है, उसमें किसकी मिलावट होती है? केसरी दाल की होती है, खेसारी की मिलावट होती है, तो लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अब सरसों का तेल है, सरसों का तेल पर आर्जिमोन तेल की मिलावट की जा सकती है, इससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी हो जाती है। इससे क्या होता है? आंत तंत्र प्रभावित होता है और अनियंत्रित ज्वर हमें हो जाता है। इसी तरह बेसन है, हल्दी है, इसमें किसकी मिलावट होती है? जो मेटेलिक पीला रंग होता है उसकी मिलावट कर दी जाती है, जिससे क्या होता है? हमारा प्रजनन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होते हैं, गुर्दे प्रभावित होते हैं। इसी तरह लाल मिर्च है, लाल मिर्च में किसकी मिलावट होती है? रोडामाइन बी की मिलावट होती है, इससे यकृत प्रभावित होता है, गुर्दा प्रभावित होता है, तिल्ली प्रभावित होती है। इस तरह हमारे ये अंग इसके द्वारा प्रभावित होते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसी तरह दालें हैं, तो दालों में क्या होता है? टेलकम पाउडर मिला दिया जाता है, एस्बेस्टॉस पाउडर मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है, गुर्दे में कई बार पथरी भी हो जाती है। और इसी तरह जो वर्क, जैसे कि हम मिठाई आदियों पर लगाते हैं, उसमें एल्यूमिनियम के मिलावट होती, कहते हैं चांदी का वर्क है पर उसमें एल्यूमिनियम की मिलावट कर दी जाती है, तो इससे पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। अब काली मिर्चें, काली मिर्च में पपीते का बीज मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब नमक है, इसमें किसकी मिलावट होगी? मिट्टी की या रेत की मिलावट कर दी जाती है, जिससे गले के संबंधी रोग हो जाते हैं। चाय पत्ती है, उसमें उसके रंग को बनाए रखने के लोहे के चूर्ण
और रंग की मिलावट कर दी जाती है। इससे क्या होगा, हमारा आहार तंत्र प्रभावित होगा, पाचन तंत्र प्रभावित होगा, और दूध है, दूध में या तो पानी की मिलावट कर दी जाएगी या यूरिया तक की मिलावट कर दी जाती है, रंग की मिलावट कर दी जाती है, वॉशिंग पाउडर की मिलावट की जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं। फिर घी हमने उपयोग में लिया तो घी में भी आर्टिफिशियल चर्बी की मिलावट या दूसरी चर्बी की मिलावट कर दी जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, स्वास्थ्य संबंधित कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब मेवा ले लो, मेवा में जो अखरोट है, चीनी है, उसकी मिलावट कर दी जाती है, इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब ये इतना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो हम इस मिलावट की किस प्रकार से जांच कर सकते हैं, इसको भी हमें देखना चाहिए। तो मिलावट की कैसे जांच करें, ये बहुत आसान है। इसकी जांच हम सरल और घरेलू तरीके से भी कर सकते हैं, जिससे कोई भी उपभोक्ता आसानी से खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच कर लेता है। और खाद्य पदार्थ में मिलावट को जांचने के लिए कुछ आसान और घरेलू परीक्षणों की जो विधियां हैं वह इस प्रकार हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे खाद्य पदार्थ में मिर्च पाउडर है, उसमें किस चीज़ की मिलावट होती है, जैसा कि पहले ही बताया मैंने, ईंट है, बालू का चूना है। तो अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, एक चम्मच मिर्च के पाउडर को पानी से भरे गिलास में डाल दो। पानी का रंग अगर गहरा हो जाता है तो मिर्च पाउडर में हम मान के चलते हैं कि मिलावट है, या पानी के रंग में लाल रंग आ जाता है तो मान लो कि ये मिलावटी है। और उसमें अगर ईंट है या बालू का चूना है तो वो क्या होता है, पैंदी में बैठ जाता है। और अगर सफ़ेद रंग का झाग दिखे तो उसमें सेलखड़ी की मिलावट है, ये पता चलता है। तो ये इसकी परीक्षण की विधि हुई। अब मावा है, तो मावे में मिलावट हमने स्टार्च की, तो इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे। तो मावे में स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए हम थोड़ी मात्रा में पानी मिलाकर इस मिश्रण को उबालते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा आयोडीन की बूंदें डाल देते हैं, तो हमें नीले रंग की परत दिखाई देती, तो इससे साफ हो जाता है कि उसमें स्टार्च की मिलावट है। अब हल्दी लो, हल्दी में अगर रंग की मिलावट की है किसी भी तरह की, तो हम कैसे जांच करेंगे, एक चम्मच हल्दी को एक परख नली में डालकर उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल देते हैं, तो वो क्या होता है, उस परख नली में बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है, और मिश्रण में पानी डालने पर यह रंग जो होता है गायब हो जाता है। तो हम मानते हैं कि हल्दी असली है, और अगर बैंगनी रंग दिखाई देता है तो हम मानते हैं कि मिलावटी है, लेकिन रंग अगर बना ही रहता है लंबे समय तक तो हम कह सकते हैं कि ये मिलावटी हल्दी है। मतलब अपन ने सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड परखने ली में डाल ली, तो क्या हुआ कि उसमें उसका रंग बैंगनी आया, और पानी डालने पर ये साफ हो गया, तो हमने मान लिया कि क्या असली है, लेकिन वो हल्दी बैंगनी ही रंग रहता है, तो क्या मानते हैं कि ये मिलावटी है। अब खाने का तेल है, खाने के तेल में हमने अर्जिमोन की मिलावट की या अर्जिमोन की उपस्थिति है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो हम क्या करेंगे, खाने के तेल का सैंपल लेंगे, उसमें सांद्र नाइट्रिक एसिड को डालकर उस मिश्रण को खूब हिलाते हैं, थोड़ी देर बाद एसिड की परत में लाल भूरे रंग की परत दिखाई देने लगती है, तो अर्जिमोन तेल में ये तो हम सरसों के तेल या खाने के जो तेल है उसमें ये मानते हैं कि अर्जिमोन की उपस्थिति है। आया क्या क्या सांद्र नाइट्रिक एसिड का हमने सैंपल में मिलाया और उसको हिलाया, उसके बाद उसमें एसिड की परत में क्या हुआ, लाल भूरे रंग की परत दिखाई दी। अगर लाल भूरे रंग की परत दिखाई दी तो उसमें हम मान लेते हैं कि आर्जिमोन है, ठीक है। फिर चांदी का वर्क, इसमें एल्यूमिनियम की मिलावट, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं, चांदी के वर्क में अगर एल्यूमिनियम की मिलावट है तो इसे हम जांचने के लिए उसको जलाते हैं, तो चांदी के वर्क को जलाने से
उसने ही भार की छोटी सी गेंद के रूप में वह चांदी का गोला बन जाता है, परिणित हो जाती है। फिर जबकि मिलावट वाली चांदी को जलाने के बाद ये गहरे रंग के अवशेष बन जाते हैं। तो अगर गहरे रंग के अवशेष बन गए जलाने के बाद, तो हम ये मानते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम है, और गेंद की तरह गोला बन गया तो हमने क्या माना कि इसमें एल्यूमिनियम की मिलावट है। ठीक है, अब हमने आगे चावल को देखा। चावल में हम रंग की मिलावट करते हैं, तो रंग की अगर मिलावट की तो हम उसको जांचने के लिए दोनों हाथों से चावल की कुछ मात्रा लेकर रगड़ते हैं। इसमें पीला रंग होगा तो हाथों में लग जाएगा, और चावल को हम पानी में भिगोएं और उसमें सांद्रा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डालें तो पानी का रंग अगर बैंगनी हो जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि उसमें क्या है, पीला रंग मिला हुआ है। ठीक है, फिर आटा। आटे का अगर फीका स्वाद है या गूंथने पर अधिक पानी लगता है, उसकी रोटियां जो है अच्छी तरह फूलती है, साथ में मिठास होता है उस आटे को में, और लेकिन अगर वह अशुद्ध है, उसमें अन्य चीज़ों की मिलावट है, तो वो रोटियां जो होती है फीकी लगती है, और गूंथने पर वो आसानी से गूंथा भी नहीं जाता है, स्वाद में मिठास भी नहीं होती। फिर हम चाय पत्ती है, जो चाय पत्ती में मैंने जैसे कि बताया कि लोहे का चूना और रंग मिला दिया जाता है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी बर्तन में चाय के डालते हैं और उसमें थोड़ा सा नींबू का बूंद जो है रस जो है उसमें डालते हैं, तो चाय पत्ती में थोड़ा सा मतलब नींबू के रस पर चाय पत्ती का हमने बुरादा छिड़क दिया, तो नींबू के रस में का रंग जो होता है वो नारंगी रंग या दूसरे रंग का हो जाता है, तो इससे लगता है कि वो मिलावटी है। यदि चाय की पत्ती असली है तो रंग हरा मिश्रित पीला दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि नींबू के रस में अगर हम चाय की पत्ती बुरकते हैं और उसका रंग नारंगी या दूसरे रंग का हो जाता है तो मिलावटी है, अन्यथा क्या होता है, अगर असली है तो हरा मिश्रित पीला रंग दिखाई देगा। अब शहद है, शहद में चीनी और पानी की मिलावट जनरली की जाती है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, रुई के फावे में शहद को भिगोकर उसे माचिस की तीली से जलाते हैं। यदि शहद में चीनी और पानी का मिश्रण है तो रुई का फावा जलेगा नहीं, और यदि शुद्ध है तो चटक की आवाज़ के साथ वह जल जाएगा। फिर हम केसर में मिलावट देखते हैं, तो केसर असली है नकली है, इसको चेक करने के लिए, असली और नकली केसर को चेक करने के लिए हम मकई के टुकड़े को सुखाकर उसमें चीनी मिलाकर कोल तार की डाई से बनाए जाने वाला नकली केसर जो होता है पानी में डालने के बाद रंग छोड़ देगा, और असली जो है पानी में घंटों पड़े रहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह नमक में जो मिट्टी और रेत की अगर मिलावट की जाती है तो कांच के साफ ग्लास में पानी लेकर घोल को, इसको नमक को घोल लें, उसके पश्चात कुछ देर रहने दें, तो उसके बाद यदि ग्लास की तली में रेत या मिट्टी बैठ जाए तो समझ लेना चाहिए कि नमक में मिलावट है। कॉफ़ी में खजूर या इमली के बीच की मिलावट की जाती है। कॉफ़ी के पाउडर को गीले ब्लॉटिंग पेपर पर छिड़क लें और उसमें कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्लोराइड की कुछ बूंदें डालते हैं। यदि कॉफ़ी के आसपास का रंग भूरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो मिलावटी है। इसी तरह चने और अरहर की दाल है, उसमें खेसी दाल या मेटालिक पीला रंग मिला दिया जाता है। इसको चेक करने के लिए दाल को एक परख नली में डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी तथा हल्के हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डाल दीजिए। उसको डालने के बाद अगर रंग गहरा लाल हो जाए तो समझना चाहिए कि दाल में मेटालिक पीला रंग डाला है। खेसरी दाल का परीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। खेसरी दाल जो होती है नुकीली और धसे हुए आकार की भी होती है। इसी तरह अगर काली मिर्च का हम परीक्षण करना चाहते हैं जिसमें पपीते का बीज डाला है, तो इसको काली मिर्च को पानी में डाल दो, और पपीते का बीज है तो वो पानी के ऊपर तैर जाएगी और काली मिर्च है तो वो डूब जाएगी।
इसी तरह हींग की शुद्धता की जांच करने के लिए क्या करते हैं, हींग को लो जो अग्नि की लो होती है उस पर जलाने पर वह चमकीली हो जाती है, और हींग को साफ पानी में घोलने पर यदि वह सफ़ेद रंग की हो जाए या दूधिया हो जाए तो वह क्या होती है, शुद्ध होती है। मतलब चमकीली हो जाए जलाने पर और पानी में घोलने पर दूधिया सफ़ेद हो जाए तो ऐसी हींग को हम क्या मानते हैं, शुद्ध हींग मानते हैं। इसी तरह दूध में अगर पानी की मिलावट किए तो लैक्टोमीटर द्वारा सापेक्ष घनित्व को ज्ञात करके दूध की शुद्धता नापी जा सकती है। दूध का जो सापेक्ष घनत्व है 1.030 से 1.034 होना चाहिए। इसी तरह मक्खन और घी है, उसमें वनस्पति घी हाइड्रोक्लोरिक की मिलावट होती है, इसको देखने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 चम्मच चीनी को मिलाते हैं और इस मिश्रण को में 10 cc घी या मक्खन डालते हैं तो अगर अच्छी तरह हिलाते हैं, अगर मिलावटी है तो वो क्या होता है, गहरे लाल रंग का हो जाता है। इस तरह कई चीज़ों में कई पदार्थों की मिलावट होती है और उसको हम चेक भी कर सकते हैं, और इसे रोकने के लिए रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 बनाया गया था, जो कि खाद्य पदार्थ में जो अपद्रव्यकरण है या खाद्य मिलावट है उससे जनता को स्वास्थ्य हानि से रोकने के लिए यह नियम बनाया था। और भारत में प्रत्येक प्रदेश में शुद्ध खाद्य पदार्थ पहुँचे इसके लिए भारत सरकार ने सभी प्रादेशिक कानूनों में एकरूपता लाने के लिए अपनी आवश्यकता के आधार पर एक कानून बनाकर 1954 में खाद्य अपद्रव्य निवारण अधिनियम जो कि 55 में लागू हुआ था, और ये नियम बनाकर झूठे तथा मिलावटी भोज्य पदार्थ को बेचने वालों के प्रति दंडनीय अपराध घोषित किया, और इसके आधार पर खाद्य मिलावट अधिनियम से उपभोक्ता को बचाया। वैधानिक दृष्टि से ये माना गया कि किस चीज़ को हम मिलावटी कहेंगे या वैधानिक दृष्टि से या इस नियमों के अंतर्गत कौन सी चीज़ को मिलावटी कहा है, उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये कहा कि वह पदार्थ जिसका स्वाभाविक गुण सार तत्व ये श्रेष्ठता का स्तर ग्राहक द्वारा अपेक्षित पदार्थ से अथवा सामान्य बोध होने वाले पदार्थ से अगर अलग है, मतलब जो उपभोक्ता ने मांगा है उससे अगर उसका स्वाभाविक गुण या उसका सार तत्व या श्रेष्ठता का जो स्तर है वह अलग है, जिसके व्यवहार से ग्राहक के हित को हानि पहुंचती है, वह पदार्थ जिसमें कोई भी ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी भी प्रकार का घटिया हो या सस्ता हो रूप में उस पदार्थ को बदल दे या फिर उसमें से उसके संगठन में कोई विशेष पदार्थ को निकाल दिया जाए जिससे उसके स्वाभाविक गुण सार तत्व श्रेष्ठता का स्तर कम हो जाए या अंतर हो जाए तो वह पदार्थ दूषित कहलाता है। वह पदार्थ जो दूषित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जिसमें गंदा प्रतियुक्त सड़ा विघटित रोगयुक्त प्राणी द्रव्य या वनस्पति वस्तु मिला दी जाए, जिसमें कीड़े हो कीट पड़े हो या मनुष्य के लिए वह आहार अनुपयुक्त हो, तो ऐसे पदार्थ को इन्होंने क्या माना, अपद्रव्य पदार्थ माना या अपद्रव्यकरण माना। ऐसा जिसमें गंदा भी हो, प्रतियुक्त सड़ा भी हो, विघटित भी हो, रोगयुक्त भी हो, प्राणी द्रव्य या वनस्पति वस्तु मिलाई गई हो, जिसमें कीट और कीड़े पड़े हो, ऐसे पदार्थ जो कि मनुष्य के लिए क्या है, अनुपयोगी है, तो ऐसे पदार्थ को इन्होंने अपद्रव्य पदार्थ कहा। इन्होंने फिर इसको डिफाइन करते हुए कहा कि वह पदार्थ जो किसी रोगी पशु से प्राप्त किया जाए, जिस जो विषैली या स्वास्थ्य हानिकारक संगठन युक्त पदार्थ से बना हो, जिसका पात्र दूषित हो, जो विषैली वस्तु से बना हो, वह पदार्थ जिसमें स्वकृत रंजक द्रव्य अर्थात कलर के अतिरिक्त
कोई ऐसा अन्य रंजक मिला दिया जाए जिसका कोई निषिद्ध रासायनिक प्रतिरक्षी हो अथवा स्वीकृत रंजक या प्रतिरक्षी द्रव्य की मात्रा निर्धारित सीमा से भी अधिक हो, वह पदार्थ जिसकी श्रेष्ठता और शुद्धता निर्धारित मानक से कम हो अथवा उसमें संगठन निर्धारित सीमा से अधिक हो, तो ऐसी दशा में इस पदार्थ को मिसबैंडेड पदार्थ कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इन्होंने डिफाइन किया और कहा कि वह पदार्थ जिसकी बिक्री का नाम अन्य पदार्थ की बिक्री के नाम का नकल कर दिया जाए, इस प्रकार मिलता जुलता हो कि धोखे की संभावना हो जाए, उसके वास्तविक गुणधर्म प्रकट करने के लिए उस पर कोई स्पष्ट और व्यक्तिगत नाम पत्र या लेबल अंकित ना हो, उस पर कोई स्पष्ट अंकन किसी भी प्रकार का ना किया जाए, वह पदार्थ जो असत्य रूप से किसी देश विदेश का बना हो और उसे ये बताया जाए कि ये वहाँ का इंपोर्ट किया हुआ पदार्थ है, जो किसी अन्य वस्तु के नाम से बेच दिया जाए जिसका संबंध के लेबल पर या अन्य रीति से झूठे दावे प्रस्तुत कर दिए जाए, जो इस प्रकार रंजित स्वादित लेपित चूर्णित शोधित हो जिससे कि विकृत होने की संभावना का भाव दिख जाए या छिपा रखा हो उन्होंने, अथवा जो अपनी वास्तविक दशा में उत्तम या मूल्यवान दिखाया जाए, वह पदार्थ जो बंद बैठनों में बेचा जाए या जिसके बाहरी भाग पर उसमें रखे हुए पदार्थ की निर्धारित सीमा घटा दी जाए तो उसके या निर्धारित सीमा का उल्लेख न किया जाए, तो वह पदार्थ जिसके लेबल पर कोई ऐसा उल्लेख या चित्र या उक्ति हो जो कि असत्य है, भ्रामक है, छलपूर्ण है या जो किसी कल्पित व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो, जिसके प्रयुक्त कृत्रिम रंग या फ्लेवरिंग एजेंट या परिरक्षी पदार्थ की वस्तु का उल्लेख न हो, या वह पदार्थ जिसमें किसी विशिष्ट आहार के लिए उपयुक्त बताया जाए परंतु उसके लेबल पर उसकी उपयोगिता के सूचक उनके खनिज तत्व विटामिन्स खाद्य विषयों की सूची अंकित ना हो, तो इस नियम के द्वारा केवल जो उपरोक्त लिखे गए हैं या उपरोक्त जो भी वर्णित मैंने बताए हैं उसे हम अपद्रवी अपना मानक निवारण नहीं किया जा सकता, परंतु भोज्य पदार्थ की शुद्धता स्वच्छता भोज्य पात्रों पाकशास्त्रों भंडारों की स्वच्छता परिशोधन अथवा खाद्य पदार्थों में मक्खी है धूले मलिनता है आदि से रक्षण इत्यादि जो स्वास्थ्य चित्र नियम है उनका भी पालन नहीं किया जाए या संक्रामक सरगर्मित या घृणित रोग ग्रस्त मनुष्य द्वारा खाद्य पदार्थों का बेचना और बनाना वर्जित होता है तथा किसी संक्रामक रोग के प्रचार को रोकने के लिए स्थायी आदेश के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ की विक्रय को स्थगित किया जा सकता है, जंग लगे पात्र में बिना कलाई के तांबे के या पीतल के पात्र में या शीशा मिश्रित एल्यूमिनियम के पात्र में या जर्जित एल्यूमिनियम के तामचीने के पात्रों का प्रयोग भी इस अधिनियम के अनुसार वर्जित होता है। तो इस अधिनियम के अनुसार आपको ये सब कुछ बताया गया कि किन किन भोज्य पदार्थों को हम निश्चित भोज्य पदार्थ कहेंगे और किस भोज्य पदार्थ में किन किन चीज़ों की मिलावट की जा सकती है, उनका हम परीक्षण कैसे करेंगे और इसका जो अधिनियम बनाया उसमें किन पदार्थों को मान्य बताया और किस को रोकने के लिए बताया। आया आप लोगों को समझ में? धन्यवाद आपको अगर आया है।